Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discussed about the background subtraction using graph cut algorithm. I hope aapko acche se samajh mein aa gaya hoga ki aap apni image mein se background kaise subtract kar sakte ho with the help of graph cut algorithm. Friends, aaj ki video mein main aap logo ke liye kuch advanced topic leke aaya hu jiska naam hai feature detection and description. Ji haan, aaj hum sikhenge ki aap apni image mein se kuch features kaise detect kar sakte ho aur unhe apni image pe display kaise kara sakte ho. To chaliye fatafat se start karte hain aur chalte hain apni IDE ke paas. But usse pehle aap video ko like kijiye aur channel ko subscribe kar lijiye. To chaliye start karte hain friends. So friends, this is my IDE spider और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ कोड लिखा है जिससे आपको समझ में आएगा कि फीचर्स होते क्या हैं। अगर मैं एक इमेज की बात करूँ तो एक इमेज में बैकग्राउंड होता है और फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट के पास अपने कुछ फीचर्स होते हैं लाइक एज, विड्थ, हाइट एंड कॉर्नर्स। तो ये सारे के सारे उसके फीचर्स हैं। हमें यही सीखना है कि हम इन फीचर्स को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको एजेस डिटेक्ट करना तो बता दिया था, आज हम कॉर्नर्स डिटेक्ट करना सीखेंगे कि हम किसी भी इमेज में कोई भी फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट होगा मैं उसका कॉर्नर कैसे डिटेक्ट कर सकता हूँ। इसमें मेरी हेल्प करेंगी कुछ टेक्निक्स, बट उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आप लोगों ने कभी जिग्सो पजल गेम खेला है तो उसमें हम जिग्सो पजल को कैसे सॉल्व करते थे, उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस को कनेक्ट करके, और हमें कैसे पता चलता था कि कौन से पीस के बाद कौन सा वाला आने वाला है, मतलब कि उन्हें मैच कैसे करना है। तो हमें ये इस तरह से पता चलता था जब हम उनके एजेस को या फिर कॉर्नर्स को मैच करते थे। तो मेरे बोलने का मोटिव यह है कि ये एल्गोरिथम भी कुछ उसी तरीके से वर्क करती है। जहां पर आपकी एक पिक्सल वैल्यू खत्म होती है, ये उसके आगे वाली पिक्सल वैल्यू को चेक करती है, और इसी वे में आपके जो इमेज के कॉर्नर्स हैं, जितने भी उस ऑब्जेक्ट में कॉर्नर होंगे वो आपको डिटेक्ट करके मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला मेथड मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है हैरिस कॉर्नर डिटेक्शन। हैरिस कॉर्नर डिटेक्शन काफी अच्छा मेथड है और ऑप्टिमाइज्ड है। ये अपना काम काफी अच्छी तरीके से करता है। आपकी इमेज में आपको सिंपली कॉर्नर डिटेक्ट करा के ये प्रोवाइड करा देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि ओपन सीवी में एक फंक्शन है जिसका नाम है हैरिस कॉर्नर। इस टेक्निक की हेल्प से आप अपनी इमेज के किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को इजीली डिटेक्ट करा सकते हो। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि एक इमेज को इनपुट लेता है, आफ्टर दैट द ब्लॉक साइज। अब आप सोचोगे कि ब्लॉक साइज क्या है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है इसीलिए कि इट इज द साइज ऑफ नेबरहुड कंसिडर्ड फॉर कॉर्नर डिटेक्शन। मतलब जिस भी पिक्सल पे ये चेक करेगा कि यहाँ पे कॉर्नर अवेलेबल है या नहीं है, तो उसमें जो साइड साइड वाले पिक्सल्स होंगे ये उनकी हेल्प लेगा, और वो पिक्सल्स कितने होने चाहिए तो आपको वो ब्लॉक साइज में डिफाइन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट अपर्चर पैरामीटर, जैसे कि मैंने आपको सोबेल एक्स और सोबेल वाई के बारे में पढ़ाया था, तो ये भी वही चीज है कि आपका जो के साइज पैरामीटर है या फिर हम इसे अपर्चर पैरामीटर भी बोलते हैं, ये आपके सोबेल्स को डिफाइन करता है। और अगर आपने सोबेल्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो यार आप जाके देख कर आइए, वो मैंने आपको एजेस डिटेक्शन के वक्त बताया था बहुत अच्छी तरीके से। आफ्टर दैट जो लास्ट इसका अपना एक इंडिविजुअल पैरामीटर है जिसका नाम है हैरिस डिटेक्टर फ्री पैरामीटर। तो चलिए इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने सेम वही कोड लिखा जो कि आप डे वन से लिखते हुए आ रहे हो, एक इमेज लिया और उसे आप लोगों को शो कराया है। तो चलिए इसे फटाफट से ऑपरेट करते हैं और देखते हैं आपकी इमेज कैसे दिखती है। यह है इमेज और इस इमेज को आपने पहले भी यूज करा है, इसमें मल्टीपल शेप्स हैं। अब मुझे इन शेप्स के कॉर्नर्स को डिटेक्ट करना है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ ये मेरे लिए एक चैलेंज है। तो चैलेंज तो बहुत छोटा सा है, मैं इससे कर दूंगा किसकी हेल्प से, हैरिस कॉर्नर डिटेक्शन मेथड की हेल्प से, बहुत इजीली हो जाएगा ये। बट गाइस, आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी इमेज को ग्रे में कन्वर्ट करा लो, बिकॉज मैंने आपको डे वन पे ही बताया था कि जो भी इमेज प्रोसेस होती है वो आपकी ग्रे स्केल में होती है मेजरली। हम कलर इमेज भी प्रोसेस करते हैं बट स्पेशल केस में। यहाँ पर मुझे अपनी इमेज को ग्रे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख भी दिया है कि मैं अपनी इमेज को ग्रे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने सिंपल सीवीटी कलर का यूज करा है, अपनी इमेज पास कर दी और ये इमेज ग्रे में कन्वर्ट होकर इसी वेरिएबल में सेव हो जाएगी। बट इसमें एक स्पेशल केस करा है मैंने, ये वाला जो कि अभी अभी मैंने कमेंट करा। क्यों करा मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, अभी समझते हैं कि मैंने इसे कमेंट आउट क्यों करा है। तो कंसोल पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए, मैं इस कोड को एक बार ऑपरेट कराता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। और मैं इससे पूछता हूँ कि एक बात बताओ कि जो मेरे पास ग्रे वाला एरे आ रहा है, ये इमेज है, इमेज का मतलब एरे क्योंकि आपकी जो इमेज है वो एरे में स्टोर होती है, मुझे उसका डी टाइप बता दो। मतलब उस इमेज में जो भी डेटा है किस टाइप का है, तो मैं लिखूंगा एरे डॉट डी टाइप, मतलब जो भी आपका एरे है ग्रे डॉट डी टाइप। तो ये मैंने लिख दिया है और एंटर प्रेस करूंगा।
तो देखो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि इस एरे के अंदर या इस इमेज के अंदर जो भी पिक्सल वैल्यूज है वो आपकी अनसाइंड इंट है और 8 बिट की है। ओके, इन्होंने मुझे इतना नॉलेज दे दिया है, बट जो आपका हैरिस कॉर्नर मेथड है उसकी डिमांड है कि जो आपका डेटा है वो फ्लो 32 में होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये चीज परफॉर्म कराई है और इसे यहाँ पर फिर से एक बार ऑपरेट कराते हैं। अब आपका जो इमेज में डेटा आया है, जो आपकी पिक्सल वैल्यूज है, वो सिंपली कितनी हो गई है आपकी, फ्लोट 32 में कन्वर्ट हो गई है। कन्वर्ट करने का रीजन ही यही है, बिकॉज ये आपके फंक्शन की डिमांड है। तो चलिए अब बस मुझे कॉर्नर डिटेक्ट कराने हैं, तो कॉर्नर डिटेक्ट करा लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं डिटेक्ट कॉर्नर। कॉर्नर डिटेक्ट कराने के लिए हैरिस कॉर्नर मेथड का ही यूज करूंगा, और कैसे करते हैं मैं आप लोगों को फटाफट से बताता हूं। पैरामीटर्स गाइस मैंने आप लोगों को समझा ही दिए ऊपर, आप लोगों को पता है कि ये पैरामीटर्स मैं फंक्शन में पास करने वाला हूं। तो ये रहा वो फंक्शन, सबसे पहले मैंने अपनी ग्रेस की लिमिट पास करी, फिर मैंने इसका ब्लॉक साइज पास करा, आफ्टर दैट अपर्चर, एंड देन जो इसका स्पेशल पैरामीटर है वो पास कर दिया है। ब्लॉक साइज भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कितने नेबर्स की हेल्प से ये अपने आपको कैलकुलेट करेगा। अपर्चर सोबेल एक्स सोबेल वाई मैंने आपको पढ़ाया है ये प्रीवियस वीडियो से, जाके आप इसे रिफर कर सकते हो। और ये कि इसका स्पेशल पैरामीटर है, इसे आप कितना भी पास करो बट ये मिनिमम ही होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा गाइस, यहाँ पर ये मैंने ऑपरेट कराया और मेरे कॉर्नर्स डिटेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर आरईएस को प्रिंट करा के आप लोगों को दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखो आपके पास एक एरे आया है। इस एरे में आप लोगों के पास जो भी कॉर्नर्स थे वो आ चुके हैं, बट इतने सारे पिक्सल्स में से आपको अपने सेलेक्टेड कॉर्नर्स कैसे निकालने हैं, मीन्स इसमें तो काफी कुछ आ गया है बट आपको कॉर्नर्स निकालने हैं इसमें से। तो आप एक ट्रिक का यूज करोगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को टेम्पलेट मैचिंग पढ़ाई थी और मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, जहां पर भी आपकी टेम्पलेट मैच हो जाती है उस पिक्सल को हाईली ल्यूमिनस कर देता है। फिर मैंने एक थ्रेशोल्ड लगाया था और उस पिक्सल को निकाल लिया था। तो कुछ उसी तरीके की चीज मैंने यहाँ पर भी करी है, बस एक लास्ट स्टेप है जिसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा, तो वो है ये डायलेशन। गाइस जरूरी नहीं है डायलेशन, मतलब अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आपके आउटपुट को और इनहेंस कर देगी, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है बट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मेन पॉइंट है ये, मतलब आपकी पूरी इमेज में जितने भी पॉइंट थे, अगर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये एक एरे है, मैंने यहाँ पर लिखा इमेज और यहाँ पर सिंपल मैंने कोलन लगा दिया। ये मैंने क्या लगाया है, कोलन। और मैं इसका मतलब बोलने का यह है कि मुझे इमेज में से सारी रोज चाहिए। अगर मैं कॉमा लगा के भी कोलन लगा दूं तो इसका मतलब होता है सारी रोज और सारे कॉलम। चलिए यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखिए मेरे पास जितनी भी वैल्यू थी सब आ चुकी है। उसी का यूज मैंने यहाँ पर करा दोस्तों। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो भी यहाँ पर वैल्यूज आ रही है वो आपके कॉर्नर्स की वैल्यू है और उनकी जगह पर मुझे, उन पिक्सल्स की जगह पर मुझे एक अपने अपने साइड से कोई वैल्यू डालनी थी, मतलब एक कलर डाल देना था जिससे डिटेक्ट हो जाए कि हाँ ये कॉर्नर है। तो मैंने यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो BGR रेड कलर के मैंने डॉट्स वहां पर पास कर रहे हैं। बट कैसे कर रहे हैं, मैंने एक छोटी सी ट्रिक खेली है यहाँ पर। वो क्या कर रहा है कि मैंने जितने भी पिक्सल्स थे उन्हें यहाँ पर कैच कर लिया है, कैच करने के बाद उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाली और उसे इतने से मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर मैं इसे बोलता हूँ कि जो भी ये पिक्सल मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है, अगर वो क्या होंगे, इससे स्मॉलर होंगे, अगर ये टोटल पिक्सल से स्मॉलर होंगे तो बस उसकी जगह क्या कर दो, ये वैल्यू डाल दो। अगर आप चाहो तो इसको सिंपली ऑपरेट करा के देख सकते हो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए मैं इसे आपको यहाँ पर साइड में ऑपरेट करा के दिखाता हूँ, आपको एक वैल्यू मिलेगा बट आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने इसे यहाँ पर प्रिंट कराया और इसे ऑपरेट कराता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जितनी भी वैल्यूज यहाँ मिल रही है ना, ये हैं आपके कॉर्नर्स। ये आपको एक एरे मिला है जिस एरे में सारी के सारी वैल्यूज हैं और ये आपके कॉर्नर्स की वैल्यूज हैं। तो अगर मैं इसे अब आप लोगों को इमेज को शो कराता हूँ तो आप लोगों को अपने कॉर्नर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो वैल्यू पास करी है मैंने, बस ये बोला है कि जो भी ये आपके पिक्सल्स हैं, जो भी इन पिक्सल वैल्यूज पर कलर है उसे इससे रिप्लेस कर दो। तो मैंने सारे पिक्सल वैल्यू में जो भी कलर रहा होगा उन्हें रेड से रिप्लेस कर दिया, सो दैट मुझे कॉर्नर्स अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए। तो बस इसे लास्ट में मैं आप लोगों को शो करा दूंगा और आप लोगों को आपका टारगेट रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए इसे ऑपरेट करते हैं और देखते हैं क्या आएगा आउटपुट में। तो दिस इज योर ओरिजिनल इमेज। इसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें सारी की सारी फिगर्स है, बट यह है आपकी फाइनल इमेज। और इससे अगर आप ऑब्जर्व करोगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को दिखेगा कि आपके जो कॉर्नर वैल्यूज है वहां पर आपके रेड पिक्सल वैल्यू शो हो रही है, जो कि आपने यहां से पास करी थी। आपने यही तो करा है, जितने भी कॉर्नर्स आए उनकी जगह पे रेड वैल्यू डाल दो। तो बस उसने रेड वैल्यू डाल दिया और वो सारे के सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम थोड़ी सी इसके पैरामीटर ट्यून करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या वेरिएशन आता है। अगर मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, लाइक अगर मैं इसे 5 कर देता हूँ, तब देखते हैं क्या वेरिएशन आता है। तो चलिए फिर से एक बार ऑपरेट करते हैं इसे।
मैंने ऑपरेट करा, और अगर आप देखोगे तो आपके जो यहाँ पर वैल्यूज है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, मतलब आपके जो डॉट्स हैं एक ही वैल्यू पे आपके मल्टीपल डॉट्स आ गए हैं, मतलब एक ही जगह पे आपकी पिक्सल वैल्यू आके इनहेंस हो गई है, मतलब जितने ज्यादा पिक्सल से सपोर्ट करेंगे ये आपको उतना अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसे हम अभी के लिए 5 ना करके इसे हम 3 कर देते हैं, और एक बार इसे बंद करके फिर से ऑपरेट करते हैं, आप देखते हैं क्या आएगा। ये मैंने फिर से ऑपरेट करा गाइस, और देखते हैं ये रहा मेरा आउटपुट, ये है ओरिजिनल इमेज और ये रहा मेरा अभी के लिए आउटपुट। तो इस बार आप देखोगे तो थोड़े से डेंस नहीं आए हैं, बट हाँ मुझे आउटपुट सही मिल रहा है, आपके कॉर्नर्स डिटेक्ट हो रहे हैं। तो आप पैरामीटर्स को अपने अकॉर्डिंगली ट्यून करके देख सकते हो गाइस, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। और यही था आपका हैरिस कॉर्नर मेथड, इसने कैसे वर्क करा मैंने आपको बता दिया है कि मैंने एक रिजल्ट को सॉल्व करके उसे कंपेयर कराया और सारे के सारे कॉर्नर वैल्यूज को वहां से गेट कर लिया, और उसकी जगह क्या डाल दिया, अपने रेड पिक्सल्स डाल दिए। तो ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट एक इसका बड़ा भाई भी है जो इससे ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ कमेंट आउट करता हूँ और चलते हैं इसके बड़े भाई के पास, जिसका नाम है शीतो माशी। ओके, तो थोड़ा सा वियर्ड नाम लग रहा होगा आपको, बट यही नाम है, शीतो माशी टेक्निक है। इस टेक्निक की हेल्प से भी आप कॉर्नर्स डिटेक्ट करा सकते हो, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ये रहा आपका कोड, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, डिट्टो वही चीज है बट मैंने अप्रोच चेंज कर दिया है। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर इसे इंप्लीमेंट करेंगे। क्या लिखा है, वी विल लर्न अबाउट दी अनदर कॉर्नर मेथड, मतलब कि वही चीज है जैसे कि अभी हमने हैरिस पढ़ा था, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, शीतो माशी कॉर्नर टेक्निक। इस टेक्निक की हेल्प से भी हम अपने कॉर्नर्स को डिटेक्ट करा सकते हैं, और डिटेक्ट कराने के बाद हम उसकी जगह भी कोई वैल्यू डाल देंगे, वो हमें आके शो हो जाएगी। ये टेक्निक उस टेक्निक से ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज यहाँ पर आप अपने कॉर्नर्स की वैल्यूज को फिक्स कर सकते हो। आपको अगर 10 कॉर्नर की वैल्यू चाहिए तो आप 10 निकाल सकते हो, और अगर आपको उसकी क्वालिटी फिक्स करनी है कि मतलब कि आप चाहते हो कि जो भी कॉर्नर आए वो थोड़ा सा प्रिसाइज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली उठ के आ रहा है, तो आप वो भी फिक्स कर सकते हो। और इस फंक्शन का नाम है गुड फीचर्स टू ट्रैक, जैसे इसका नाम था क्या, कॉर्नर हैरिस, तो इसका नाम है आपका गुड फीचर्स टू ट्रैक, और ये हमारे उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल का नाम है जिसने इसे बिल्ड करा है, शीतो माशी। तो इसे हम शीतो माशी टेक्निक भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे गुड फीचर टू ट्रैक इफेक्ट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट लाइन वही लिखी है जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें हम नंबर ऑफ कॉर्नर्स को लिमिट कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को भी इनहेंस कर सकते हैं, और ये उससे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो देखिए सेम टू सेम, इससे आप फैमिलियर हो, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो इसे मैं हटाना पसंद करूंगा यहाँ से अभी के लिए, ये हट चुका है। और ये रही आपकी इमेज, मैंने रीड कराई थी, रीड कराने के बाद मैंने इसे ग्रे में कन्वर्ट करी थी, ये सारी की सारी चीजें आपको पता है। बस ये दो लाइनें जो कि मुझे आपको समझानी है और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वो फंक्शन है गुड फीचर टू ट्रैक जो कि जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, या फिर शीतो माशी टेक्निक भी बोल सकते हो आप। सबसे पहले मैंने इसमें इमेज पास करी, मैंने लिख रखा है यहाँ पे ग्रे स्केल इमेज, फिर नंबर ऑफ कॉर्नर्स, मतलब आप चाहते हो कि सिर्फ पूरी इमेज में 10 कॉर्नर्स ही डिटेक्ट होने चाहिए, उसके बाद उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी का मतलब है कि अब वो पिक्सल प्रिसाइज है भी या नहीं है, कितना प्रिसाइज पे आप उसे कंसिडर कर रहे हो कि वो डिस्प्ले हो, तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से फिक्स करोगे। और ये है आपका मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी कॉर्नर, मतलब एक पिक्सल के बाद दूसरा जो पिक्सल बनेगा कॉर्नर का उसमें मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो ये वो वाला पैरामीटर है। मैं आपको ये सारे मैनिपुलेट करके दिखाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आफ्टर दैट जितने भी आपके पिक्सल आएंगे, अब यहाँ पर तो सिंपली आपने क्या करा था, सिर्फ आपके पिक्सल वैल्यू को कलर से रिप्लेस कर दिया था, बट यहाँ पे मैं प्रॉपरली उन्हें प्लॉट करने वाला हूँ, मतलब पिक्सल के ऊपर जाके मैं सर्कल मार्क कर दूंगा एक, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया है, और जो भी मेरे ये गुड फीचर टू ट्रैक में डेटा आएगा उस डेटा को मैंने गेट करा, और गेट करने के बाद सिंपली यहाँ पर उसमें सर्कल प्लॉट करा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये आई में क्या आया होगा, एक्स वाई में क्या होगा, तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि ये एक एरे था, और पिक्सल क्या होता है आपका एक्स और वाई की वैल्यू, तो इसने क्या करा है उन एक्स वाई की वैल्यू को निकाला है और यहाँ पर पास कर दिया है। डॉट रेवल होता है आपका एरे का, अगर आप डेटा टाइप या स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो, तो ये भी एक तरह का एरे स्ट्रक्चर होता है, डेटा टाइप तो नहीं बोलूंगा मैं, वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से, बट ये स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो इसकी वर्किंग मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर साइड में, बट अभी के लिए मैंने क्या करा है इस तरह से समझिए कि जो भी कोऑर्डिनेट आए थे उन एक को मैंने एक्स में पास कर दिया और एक को मैंने वाई में पास कर दिया, और उसकी हेल्प से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ये आपका जो सर्कल मेथड है सिंपली मैं आपको बता चुका हूँ, पहले हमने कई बार यूज कर लिया है, ये ड्रॉइंग फंक्शन का पार्ट है। ये रही इमेज जिसपे ड्रॉ कराना है, ये है आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये है उसका रेडियस, ये है कलर कोड, एंड दिस इज -1, मतलब कि सॉलिड सर्कल बनेगा। तो चलिए इसे ऑपरेट करके फटाफट से देख लेते हैं एक बार। ये मैंने ऑपरेट कराया, और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए आपके कुछ कॉर्नर्स, मतलब कि ये डिटेक्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये सब नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आपने क्या बोला, टोटल 10 होने चाहिए, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑब्वियसली टोटल 10 हुए। 10 होने के बाद भी आपने ये बोला था कि टोटल 20 20 की डिस्टेंस पे होना चाहिए,
तो इस वजह से इतने कम हो रहे हैं। अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ, लाइक मैं इसे 100 कर देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है 100 होने चाहिए, बट अगर उसमें 100 कॉर्नर्स ही नहीं हुए तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ये 100 कंप्लीट नहीं करेगा फोर्सफुली, जितने होंगे ये मैक्सिमम उतने दे देगा। और मैं इस डिस्टेंस को 5 कर देता हूँ, या फिर चलिए 10 कर देता हूँ, 5 तो एकदम कम हो जाएगा। फिर से अब देखिएगा इस, तो अब आपको और इफेक्टिव रिजल्ट मिल रहा है। आपने क्या करा था, बोला टोटल 100 होने चाहिए, बट अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो मुझे नहीं लगता ये 100 होंगे, ये 100 से कम ही होंगे, जितने मैक्स मिलेंगे ये उतने आपको यहाँ पर रिटर्न कर देगा। मिनिमम डिस्टेंस आपने 10 रखी थी, तो देखो आपके सारे के सारे ऑलमोस्ट यहाँ पर डिटेक्ट हो रहे हैं। एक बार इसे कट करते हैं और इसे 5 करते हैं, चलिए देखते हैं क्या आएगा आउटपुट, फिर से ऑपरेट कराते हैं। तो इस बार देखिए सेम रिजल्ट है, आपको जो भी ये सर्कल वैल्यूज थी यहाँ पर आगे पॉइंट आउट हो रही है। तो मिनिमम आप डिस्टेंस उतनी पास करिए जहां पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाए। इस पैरामीटर को अगर मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करके दिखाऊं, लाइक मैं इसे कर देता हूँ 0.41, तो चलिए देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। ये है आपका कॉर्नर क्वालिटी, मतलब ये जो क्वालिटी आपने फिक्स कर दी है, इससे लो क्वालिटी के जितने भी कॉर्नर्स होंगे, मतलब कि जो कॉर्नर्स नहीं बन पा रहे होंगे पूरी तरीके से, वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसे इसीलिए आप इस वे में जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उतना फिक्स करिए। अभी मुझे सारे कराने थे तो मैंने क्वालिटी का कोई पैरामीटर इतना हाई फिक्स नहीं करा, मैंने सिंपल 0.01 रखा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सारे के सारे कॉर्नर्स डिटेक्ट हो रहे हैं। तो यार आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज समझानी रह गई है, वो ये कि आपका जो एक्स वाई और लेवल ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है, बिकॉज जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट थी फ्लोट, तो यार इसकी रिक्वायरमेंट है कि इंट 64 बिटा होना चाहिए आपका डेटा एरे में। आप समझते हैं कि लेवल कैसे काम कर रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा इधर करता हूं और देखते हैं कि आई में मेरी वैल्यू क्या आई होगी। तो आई में मेरे पास लास्ट पिक्सल वैल्यू मिली होगी, तो देखो ये एक एरे है, सिंपली ये क्या है आपका एक एरे है। अब अगर मैं लिखता हूं आई डॉट लेवल, तो रेवल क्या करेगा हम लोग अभी समझते हैं। नम पाई का पार्ट है, इस नम पाई के ऊपर भी मैं सीरीज बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो चलिए इसे ऑपरेट कराते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसने भी मुझे एक एरे रिटर्न करा है, मतलब ये हुआ क्या, कुछ समझ ही नहीं आया ना कि ये एक एरे था, फिर मैंने इसे रेवल करा तो इसने भी एरे रिटर्न करा। बट गाइज अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है, और ये है आपका फ्लैटन एरे, मतलब वन डायमेंशनल एरे। इसने इस मल्टी डायमेंशनल एरे को वन डायमेंशनल एरे में, लीनियर एरे में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये होता है आपके रेवल का काम। इसी तरीके से आप फ्लैटन भी यूज कर सकते हो, वो भी आपके लिए अवेलेबल है, बट रेवल का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोगों ने। तो इसने क्या करा, आपके इस मल्टी डायमेंशनल एरे को वन डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर दिया है। फिर आपने सिंपल एक छोटी सी चीज करी थी यहाँ पर, एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू आई, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर आपने आई में कन्वर्ट कर दी थी, मैंने सेव नहीं कराया तो यहाँ पर मेरा एरर आएगा। वो इसीलिए आएगा इस एरर क्योंकि अभी मैंने इस वैल्यू को सेव नहीं कराया था। अगर मैं कुछ इसे इस तरीके से कर देता आई डॉट रेवल को, मैं यहाँ पर में सेव करा लेता, ओके जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। और x कॉमा y व्हिच इज इक्वल टू a, अब अगर आप देखोगे तो x में आपकी एक वैल्यू आ गई होगी और y में, और इन्हीं की हेल्प से मैंने वहां पर एक सर्कल प्लॉट कराया है। तो यार आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, मैंने आपको एक ही स्टेप बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे, आप ये समझ गए होंगे कि आप एक इमेज में कॉर्नर्स कैसे डिटेक्ट करा सकते हो अपने फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट के साथ, यही होते हैं आपके फीचर्स। तो यार इससे नेक्स्ट वाली वीडियो आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो जरूर देखिएगा, और ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो लिंक से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।